गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुशमांडा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब चारों तरफ अंधकार था, तब अपनी मंद हंसी द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। तब से ने सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुशमांडा को अष्टभुजाधारी दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र, गदा और जप माला को धारण किया हुआ है, जो कि वास्तव में एक गहन अर्थ रखते हैं। कमंडल अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को स्वयं में धारण कर दूसरों को प्रदान करने, धनुष बाण अर्थात ज्ञान का तीर लगाने, कमल पुष्प अर्थात कलयुग में रहते हुए भी बुराई के प्रभाव से परे व संपूर्ण पवित्र, कलश अर्थात ज्ञान अमृत पीने, सुदर्शन चक्र अर्थात स्वयं की सत्य पहचान होने, गदा नकारात्मकता पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने और जप माला निरंतर एक परमात्मा शिव का अजपा जाप करने का प्रतीक है, जो ये संदेश देते हैं कि इन अस्त्र शस्त्र के बल पर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर एक सुंदर संसार की रचना की जा सकती है। आइए इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हम सब जब देवियों की आराधना करते हैं तो उन्हें दो शब्दों से पुकारते हैं, एक माँ और दूसरा शक्ति। क्या ये दो अलग अलग शब्द हैं या एक हैं? जैसे एक माँ बच्चे का पालना करती है, ऐसे ही हमें अपने अंतर आत्मा को पालना है। हमारे अंदर की शक्तियाँ माँ हैं, वह आत्मा बच्चा। अगर हम अपनी नकारात्मकता खो रहे हैं, सकारात्मकता खो रहे हैं, तो हमारी नकारात्मकता बढ़ रही है। हमें ये नहीं कहना कि मुझ में तो ये शक्ति है ही नहीं। ऐसा बोलने से हम ये कह रहे हैं कि हमारी माँ नहीं है जो हमारी शक्ति बनके हमारा पालना करती है। वो केवल हमें ही मजबूत नहीं बनाएगी दोस्तों, दूसरों को भी मजबूत बनाएगी। और वो शक्ति है सकारात्मक सोच। आज की शक्ति है समाने की शक्ति, यानी स्वीकारने की शक्ति। सामने वाले को जैसा वो है वैसे ही स्वीकारना। आज ये शक्ति हम सब के अंदर से लुप्त हो चुकी है। जब सकारात्मकता बढ़ती है तो हमारे अंदर स्वीकारने की शक्ति भी आ जाती है। परिस्थितियाँ खराब होंगी, गलत होंगी, हमारे अनुसार नहीं होंगी, पर उन्हें ठीक करना है। उन्हें जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसे ही स्वीकार करना है, पर अंतरात्मा से। लोगों के व्यवहार अलग अलग होंगे, खराब भी होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वे हमारे अनुसार नहीं है, तो हमारे अंदर से उनके लिए नकारात्मक सोच निकलती है जो कि उन्हें भी मिलती है और वो भी नकारात्मक बन जाते हैं। हमें शांत रहना है, सकारात्मक रहना है, समस्या का चिंतन नहीं करना, उसका समाधान सोचना है। स्वीकार करने से संतुष्टता आती है। समाने की शक्ति का प्रतीक है संतोषी माँ। अगर आप किसी भी परिस्थिति में प्रश्न नहीं करते तो आप संतुष्ट हैं। संतोषी माँ के हाथ में चावल की कटोरी दिखाई गई है, जो अलग अलग दानों को इकट्ठा करके सबको प्यार से संभाल कर चलती है। यानी स्वीकार करने की शक्ति हमें भी प्यार देगी और सबको संतुष्टि देगी, संस्कृत देगी और सबको मिलजुल कर प्यार से रहने की प्रेरणा देगी। तो आइए संतुष्टता के साथ 10 नए विचार सुनते हैं। अगर नशा ही करना है तो मेहनत का करें, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। हमारा सलाहकार कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, अर्जुन श्री कृष्ण से। तभी तो अर्जुन सफल हुआ और दुर्योधन पराजित। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चढ़ाएगा पूरा काम होने के बाद। इसलिए कभी भी परमात्मा की शक्ति पर अविश्वास ना करें, सच्चे मन से, सकारात्मक मन से उसकी पूजा करें, आप जरूर सफल होंगे। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। तो क्रोध से बचे, मन को शांत रखें। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान भी करवाने आती है कि वो हमारा तकलीफ में साथ देते हैं या नहीं। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान ही मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा,
इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर है कि वो सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच के हैं। दो हाथों से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, दो हाथों से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते दोस्तों, परंतु दो हाथ को जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, हाथ जोड़ने हैं या लड़ाई करनी है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है दोस्तों, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझा देती है। तो जब आपकी जेब खाली हो तब सब्र करें, और जब जेब भरी हो तब गुरूर ना करें। आपके कर्म ही आपकी पहचान है दोस्तों, वरना एक नाम के तो हजारों लोग हैं। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले, अगर कुछ चाहो पर वो ना मिले, तो समझ लेना दोस्तों कि कुछ और लिखा है और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। तो दोस्तों, माताओं का, देवियों का आह्वान करते हुए और अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाते हुए नवरात्रों को प्यार से अच्छे से मनाएं और मुझे आज्ञा दें। थैंक यू दोस्तों, ओम शांति, जय माता दी।